हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो ये भाव आता है, भाव आता है श्री कृष्ण भगवान को लेकर, भाव आता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर। और ऐसा ही भाव आज भी मन में आ रहा है क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और ये त्यौहार हमारे देश के हर जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में झांकियाँ लगती हैं और लोग इस त्यौहार से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमेशा वो यार बोलते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमको आकर्षित भी करती हैं और संदेश भी देती हैं। और बड़ा बड़ा ज्ञान उन्होंने गीता के माध्यम से दिया है जो मानस जीवन में एक बेहतर संदेश के रूप में काम भी करता है। आयो नंदलाल, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 2.5 घंटे बाद मथुरा में जन्मभूमि से सब लोग देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म। और इसकी तैयारी लगातार चल रही है और देश के हर जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत में तमाम जगह पर कार्यक्रम हो रहा है और इसी के तहत हम फिलहाल राजधानी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या हर्षोल्लास का वहाँ पर माहौल है। हमारे संवाददाता विभांशु वहाँ पहुँच चुके हैं और दिखा रहे हैं भक्तों की वहाँ पर किस तरह धूम मची हुई है। भक्त हाथ जोड़कर ताली बजाकर अपने नंदलाल का यहाँ पर उत्साह वर्धन कर रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। और जन्म बड़ा ही ऐतिहासिक नहीं बड़ी पौराणिक है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है महज 2.5 घंटे बाद। हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं इस्कॉन मंदिर लखनऊ से। विभांशु, क्या स्थिति है और किस तरह हम देख रहे हैं बड़ी भीड़ वहाँ पर है और हम देख रहे हैं भक्त वहाँ पर ताली बजाकर अपने नंदलाल का आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी तरह भक्ति में सराबोर है और जो भक्ति भाव है वो नजर आ रहा है। क्या तस्वीर है वहाँ की इस्कॉन मंदिर लखनऊ की? जी गौरव, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में है जहाँ ये पूरा प्रांगण जय श्री कृष्ण के नारों से गूंजा है। मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि एक बार सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा को दिखाएं। यहाँ तमाम श्रद्धालु हैं वो श्री कृष्ण के नारे लगाते हुए, यानी कि जय श्री कृष्ण के नारे के साथ पूरा प्रांगण गूंज रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम यहाँ पर जो भक्त हैं वो अपने बच्चों को श्री कृष्ण के रूप में तैयार करके ले आए हैं और मैं अपने सहयोगी विजय से कहूँगा कि एक बार लोगों का उत्साह दिखाए कि किस तरह का उत्साह आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर शहीद पथ पर स्थित है जहाँ राजधानी के आस पड़ोस से तमाम जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए इसे मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि लगभग ये पांगर देखिए तो लगभग इसमें 1000 से लोग हैं ऊपर। और साथ ही अगर बात की जाए तो पूरे इस्कॉन मंदिर प्रांगण में लगभग 1000 की संख्या में लोग आए हुए हैं। तमाम लोग दर्शन करके और भगवान श्री कृष्ण को का दर्शन करके पूजा अर्चना करके उन्हें तमाम जो फूल फूल होते हैं जो पूजा सामग्री होती है उसको चढ़ा रहे हैं। हम यहाँ तमाम जो बच्चे आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये बच्चा है जिसके गार्जियन तैयार करके श्री कृष्ण के रूप में ले आए हैं। इसके चेहरे के भाव आप देख रहे होंगे, उत्साह देख रहे होंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर कितना उत्साहित है। और कहा जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान का अरूप होता है, उसी का एक दृश्य देख रहे हैं कि भगवान के रूप होने का एक बच्चा आया है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में कि तमाम लोग पूजा अर्चना करके अपने आस्था को लेकर यहाँ उड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो जन्मोत्सव है उसमें सम्मिलित होने आए हैं, लोगों के अंदर काफी उत्साह है। साथ ही अगर बहुत से बात की जाए तो तमाम आज देखे तो मौसम खराब होने के बावजूद लोगों के लिए आस्था है भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो देखने को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इजाफा ही है और लोग काफी उत्साहित है। यहाँ तमाम लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, हम तमाम लोग इनसे बात करेंगे। मैम, भगवान श्री कृष्ण के जन्म में कुछ ही वक्त बचा है, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है, हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। किस
तरह की तैयारियां करके आप आई हैं? बहुत बहुत खुश है, बहुत हम तैयार हो के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे ऐसे सबको कृपा बरसाए रखे। राधे राधे। तो आपने सुना कि वादे वादे की गूंज है यहाँ पे, आप अपना नाम बताएं। सुमन उपाध्याय। सुमन उपाध्याय जी, कुछ ही समय के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो जाएगा, कितना उत्साह है? आप सभी थिरक रहे हैं वादे वादे कह के। हम लोगों में बहुत उत्साह है यहाँ, इसीलिए इतनी सारी भीड़ हुई है। हम लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप विशेष तौर पर बच्चों को तैयार करके लाई हैं? हाँ, मतलब जन्माष्टमी में मनाने के लिए अपने बाबू को तैयार करके ला रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे दूसरे टाइम पे। बिल्कुल। तो सर आपने सुना यहाँ तमाम जो पूछना चाहूंगा कि क्या क्या तैयारियां वहाँ की गई है पोशाक में लेकर। विमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या तैयारियां वहाँ की गई हैं और सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, और अब कोई भगदड़ ना मच पाए, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है तमाम बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर इस तरह की अभी यार भगदड़ भी मच जाती है। तो क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए? इसको मंदिर में बड़ा बड़ा मंदिर है और बड़ी संख्या में वहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है, इंतजाम क्या है विमांशु वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक प्रवेश द्वार बनाया गया है, एक निषेध द्वार बनाया गया है। भक्त जन की संख्या हजारों में है, तो इस्कॉन टेम्पल प्रशासन कहीं ना कहीं जो तमाम भक्त हैं उनको यहाँ अंदर दर्शन के बाद बाहर निकाल रहा है, और सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं यातायात की दुर्व्यवस्था कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब न हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, जो पूरी सुरक्षा के साथ साथ यातायात को भी देख रहे हैं। यहाँ ठीक सामने आप देख रहे हैं कि ये सेवादार हैं, ये सेवादार कहीं ना कहीं तमाम जो इंतजामात हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको संभाले हुए हैं। ठीक पीछे मैं अपने सहयोगी विजय से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ कीर्तन करने के लिए तमाम लोग हैं, जो लगभग बात करें तो आज सुबह से ही लगातार कीर्तन कर रहे हैं, कल देर शाम से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। यहाँ और भी कुछ परिवार है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कितना उत्साह है उनके अंदर। अगर बात की जाए तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या भारत उपमहाद्वीप में जहाँ भी सनातन संस्कृति को लोग मानने वाले हैं, वहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भारी हर्ष के साथ मना रहे हैं। तो आप अपना नाम बताएं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म में कुछ ही क्षणों का वक्त बचा हुआ है, कितना उत्साह है, कितना हर्ष है? हरे कृष्णा, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मेरा नाम आशुतोष सिन्हा है। मात्र कुछ समय बचे हुए हैं, लेकिन ये जो श्रद्धा और उत्साह का उमंग देख रहे हैं, हरि बोल, ये ईश्वर है, ईश्वर की माया है, सब लोग प्रसन्न होके आनंदित होइए, इससे बढ़िया उसे नहीं बोलेगा। हरि बोल। हरे, कहाँ से आए आप? मैं यही लखनऊ से आया। तो बात की जाए तो यहाँ पर इंतजामात तमाम किए गए हैं, कितना संतुष्ट हो? ये इंतजाम स्वयं प्रभु का है, हम सभी लोग को इसमें सहयोग करना चाहिए, हम सहयोग कर रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे विमांशु, मैं विमांशु कहीं ना कहीं हरे कृष्ण की गूंज में डूबा हुआ है। हाँ, पूरे भारत में आज जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, और यहाँ लखनऊ में भी देखिए ऐसा अद्भुत, ऐसी भीड़ आपने कहीं नहीं देखी होगी। हरि बोल, बहुत अच्छा इंतजाम है, प्रभु का गुणगान कीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विमांशु, वहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पुजारी साफ तौर से उत्साह देख रहे थे। विमांशु, बड़े संख्या मुझे पुजारी भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो आप उनसे भी कुछ बात करिए और उनके उत्साह को जाने प्रयास, क्योंकि भक्तों का उत्साह तो यहाँ देखते बन रहा है, किस तरह से ताली बजाकर अपने आराध्य के यहाँ पर जन्मोत्सव की तैयारी में, उनके आगमन की तैयारी में, यहाँ पर भक्ति में सराबोर है जो पुजारी है। मैं चाहता हूँ पुजारियों से बात करें कि उनकी क्या स्थिति है और कितने वो आनंदित इस समय। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि आपको दिखाए कि यहाँ तमाम कीर्तन गायन करने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो कीर्तन गायन के माध्यम से कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्साहित हैं। इनके पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो तमाम जो उपकरण है जिससे कीर्तन गाया जाता है, वो कुछ भजवाएं उनसे, कुछ उसे भजन करवाएं, हरि कीर्तन करते हुए हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गौरव जी, अभी यहाँ
ये बिल्कुल अगर बात की जाए तो अभी भीड़ की व्यवस्थाओं को लगातार यहाँ से ही संभाला जा रहा है। पूरे जो यहाँ का प्रांगण है उसका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कह ले या व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं यहीं से संभाला जा रहा है। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर फिर ये कीर्तन शुरू होगा। अगर बात की जाए तो 10 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जो यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था को लेकर आए हुए हैं वो अभी 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अगर विमानसी क्या लगता है कि विमानसी क्या लगता है श्रद्धालु केवल लखनऊ से आए हैं या अन्य जिलों से भी श्रद्धालु इस्कॉन मंदिर आए हैं अपने आराध्य अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए, उनके जन्म को देखने के लिए और भक्ति में सराबर होने के लिए? क्या अन्य जिलों से भी लोग आए हुए विमानसु? भी तो ये लखनऊ के आसपास के लगभग 7 किलोमीटर की परिधि के यहाँ तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। साथ ही साथ लखनऊ में तमाम दूर दराज से लोग अपने कामों को लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर इस तरह से आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये तमाम जो कीर्तन गायन करने वाले लोग हैं उनके उत्साह से जानूंगा। आप अपने नाम बताए। दिलीप जी, कुछ ही क्षणों के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो जाएगा। कितना उत्साह है, लगातार आप लोग कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के कहीं ना कहीं हरे कृष्ण की गूंज से बांगर गूंजा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है पिछले 24 घंटों से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और साथ में जो है हम लोग भक्तों को बता रहे हैं कि जो है आप भी लोग हमारे साथ आओ, हमारे साथ नृत्य करो, डांस करो, भगवान को रिझाओ, ताकि जो है जब भगवान का जन्म हो तो हम लोगों के अंदर और भी उत्साह हो, अधिक से अधिक भक्त जो है हम भगवान के सामने नृत्य कर रहे हो और साथ में भगवान के नाम जप कर रहे हैं। आमतौर पे देखा जाता है युवा कहीं ना कहीं कीर्तन भजन से दूर हो रहा है, मगर जो तस्वीर है इसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है। ये जो आप जहाँ पे खड़े हैं इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। हम लोग का मेन फोकस ये ही होता है कि हम युवाओं को, जो हमारे युवा भटके हुए हैं उनको हम फोकस करके इस्कॉन से जोड़ें और ताकि उनको जो हमारी संस्कृति है, हमारे भगवान है, उनको हम उनसे जोड़ें ताकि जो है हमारी संस्कृति और भगवान को जान सकें। अगर बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, अगर संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं? यहाँ पे जो है भगवान का जो है 24 घंटे से अभिषेक चल रहा है, जिसमें कोई भी भक्त जो है आके भगवान का अभिषेक कर सकता है और साथ में जो है भगवान के दर्शन के लिए जो है भगवान का पट 24 आवर्स ओपन है। अभी 12:30 बजे जो है भगवान का जो है जन्म होगा तो उसमें भी भक्त उपस्थित रह सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि भगवान के जन्मोत्सव को लेकर इनके अंदर काफ़ी उत्साह है। यहाँ के पूरे कार्यक्रम को इन्होंने बताया कि किस तरह से जो पूजा का एक शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें भजन साथ ही साथ जन्मोत्सव एवं तमाम जो धार्मिक उपदेश है उसको भी इन्होंने बताया। आप यहाँ एक बार फिर मैं सहयोगी विजय से कहूँगा कि तस्वीरों को दिखाएँ कि यहाँ तमाम वो भक्तजन हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आस्था अपने श्रद्धा को लेकर यहाँ उमड़े हुए हैं। इनके चेहरों पर कहीं ना कहीं भक्ति का भाव दिख रहा है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर इनके अंदर काफी उत्साह है। गौरव जी, बिल्कुल विमानसु, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से वहाँ पर जो कीर्तन मंडली, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और युवा पीढ़ी है उसको भी भक्ति में ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिस तरह देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए हमारा कि युवा जो है वो भटक गए हैं, पर निश्चित रूप से ये पहल है बहुत बढ़िया है। इसके पहले भी हमने तमाम जगहों पर देखा है कि इस्कॉन के मंदिरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर युवा वर्ग जुड़ा रहता है। निश्चित रूप से ये पहल काबिले तारीफ भी है और आने वाले समय में एक बेहतर देश के विकल्प रूप में भी यहाँ पर सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा देश अच्छी तरह प्रगति करेगा, भारत की संस्कृति रही है वो संस्कृति में आध्यात्म रहा है और कहीं ना कहीं अगर आध्यात्म की तरफ युवा झुका रहेगा तो वो भटकेगा नहीं और भारत का विश्वगुरु बनने का सपना है वो भी पूरा हो सकेगा। विमान साहब आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपको फिर आपके पास आऊँगा, फिलहाल अन्य जिलों से भी मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि वहाँ पर क्या धूम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कानपुर, जहाँ पर हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे कानपुर से जुड़ चुके हैं और जानेंगे कि कानपुर में क्या हाल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को लेकर, कितनी धूम है और किस तरह लोग अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भक्ति में सराब हो रहे हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है वहाँ की? Thank you.
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्री के जन्मोत्सव की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हैं हमारे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी यानी कानपुर से, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की यहाँ पर धूम मची हुई है। हालांकि पानी गिरा हुआ, थोड़ी सी व्यवस्था जरूर वहाँ पर खराब है, पर हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर लोगों का उत्साह नजर आ रहा है और सभी अपने नंदलाल की यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यहाँ समय गुजरेगा और यहाँ पर और जो हमारे नंदलाल हैं वो यहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वो जन्म लेंगे और निश्चित रूप से एक अलग माहौल भक्ति से सरा तमाम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं अभिषेक से फिर कहूँगा कि लोग वहाँ दिखाएं किस तरह यहाँ पर लोग भक्ति सराबोर हैं। अभिषेक कानपुर से जी। अभिषेक क्या स्थिति है? बड़ी संख्या भीड़ वहाँ नजर आ रही है, हालांकि पानी जरूर गिरा हुआ है पर उसके बाद भी उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। अभिषेक राधा कृष्ण लोग यहाँ बने हुए हैं, वो सभी लोग आने ले रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पर और सबसे जगह पर उनकी यहाँ पर हर तरीके की सारी सुविधाएं इंतजाम है वहाँ पर कानपुर में, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, हमने देखा है कई बार अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। कानपुर में जहाँ पर आप खड़े हुए वहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरह के वहाँ इंतजाम किए गए हैं और कोई घटना दुर्घटना वहाँ पर ना हो वो भी इंतजाम किए, पुलिस की व्यवस्था कैसी है और भक्तों की स्थिति क्या है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। अभिषेक कानपुर अगला रिपोर्ट उठाओ। यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो तस्वीरें हैं ये हमने देखी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से, अभी तक अभी हम आपको ले गए थे कानपुर में, वहाँ पर भी भक्ति में सराबोर लोग नज़र आ रहे थे, ताली बजाकर अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये हमारी चूंकि जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारा देश है, आध्यात्म जुड़ा हुआ है, हमारे देश की संस्कृति रही है और हम ईश्वर को जिस तरह से आगमन करते हैं वो बताता है कि कितना जुड़ाव हमारा है आध्यात्म से कहीं ना कहीं। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होते थे, त्योहारों का हमारा देश है और हर राज्य में यहाँ पर विभिन्न संस्कृति के साथ अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो त्यौहार होता है ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन जन्म लिया था और निश्चित रूप से उन्होंने तमाम ऐसे काम किए थे जो आज के दिन में बहुत बड़ा संदेश देते नजर आते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं बरेली, जहां पर हमारी संवाददाता शिवानी वहां पर मौजूद है और वो भी दिखाएंगी कि बरेली में उस समय माहौल उत्सव का किस तरह है, लोग वहां पर किस तरह अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिवानी क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं और भक्तों की क्या स्थिति है और किस तरह वो भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं? शिवानी समंदर से तो यहाँ हमने देखा यहाँ शिवानी समदर्शी हमको तस्वीर दिखा रही है, हालांकि इतना वहाँ पर आवाज़ हो रही है, लोग भक्ति में सराबोर है कि उनकी हमारी संवाददाता की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही है, पर हाँ हमें तस्वीर नज़र जरूर आ रही है किस तरह लोग ताली बजाकर अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिवानी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह लोग यहाँ पर अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भक्ति में सराबोर हैं, ताली बजाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी समय बीतेगा और हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और पृथ्वी की जो पूरी छटा है वो देखते नजर आ रही। केवल यहाँ पर हमारे देश की बात नहीं करूंगा, स्थिति यहाँ पर ये है कि हमारे आराध्य का जन्म होने वाला है और जब आराध्य का जन्म होता है तो अलग तरह की आभा ही पूरे पृथ्वी पर ही नजर आती है।
शिवानी, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आप दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह लोग भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इस्कॉन लखनऊ की तस्वीरें दिखाई थी, इसके बाद हमने आपको कानपुर लेकर दिखाया था कि वहाँ पर किस तरह से लोग भक्ति में सराबोर हैं। और भैया हम तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो शिवानी तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली से, जहाँ पर हमारी संवाददाता शिवानी समदर्शी आपको बरेली की स्थिति बता रही है कि वहाँ पर बरेली में किस तरह से लोग भक्ति में सराबोर हैं। शिवानी तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए शिवानी समदर्शी आपको राधे कृष्ण की वहाँ पर जो शोभा दिख रही दे रही है वो नज़र आ रही है, किस तरह लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे उत्साह के साथ है। हालांकि वहाँ पर आवाज़ के चलते हमारी संवाददाता की आवाज़ दर्शन नहीं पहुँच पा रही, पर हाँ जो तस्वीर पहुँच रही है वो कहीं ना कहीं भावुक करने वाली है, जो तस्वीर पहुँच रही है वो आनंदित करने वाली है, जो तस्वीर पहुँच रही है वो भक्ति से आपका विलय करने वाली है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ तस्वीरें हमने देखी है, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें और चाहे बरेली की बात करें, देश का कोई भी कोना हो, प्रदेश का कोई भी कोना हो, पर हर जगह यहाँ पर ताली बजाकर अपने आराध्य की यहाँ पर आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी तरह भक्ति में सराबोर हैं। ये तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, तस्वीरें आपको इस्कॉन मंदिर लखनऊ से दिखाई हैं, तस्वीर आपको मैंने अभी कानपुर से दिखाई हैं, तस्वीर अभी आपने हाल में देखा है कि हमारी संवाददाता शिवानी समदर्शी के माध्यम से तस्वीर हमने यहाँ पर बरेली में देखी है। सभी जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और सभी जगह लोग पूरी भक्ति के भाव के साथ ताली बजाते हुए अपने आराध्य की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भक्ति में खुद सराबोर होना चाहते हैं। उनकी हाथों की ताली की गर्जना, उनकी हाथों की ताली की करतल बताती है कि भक्ति में किस तरह सराबोर है और नाच करके, नृत्य करके और भगवान श्री कृष्ण का नारा लगा के यहाँ पर उनके आगमन प्रतीक्षा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और निश्चित रूप से यहाँ कहने वाली बात क्या है, क्योंकि सभी यहाँ भक्ति में सरोवर हैं और सभी बोल ही रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो फिलहाल आज की पिक्चर में इतना ही, अभी आपको फिर चलिए यहाँ पर फिर शिवानी की बात ले चलते हैं। आपको बरेली संपर्क स्थापित हो गया है दोबारा, शिवानी क्या स्थिति है और शिवानी वहां पर भक्ति में झूमे लोग किस तरह नजर आ रहे हैं? शिवानी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है, पर जो दृश्य मेरे पास पहुंच रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साह देने वाले हैं और भक्ति देने वाले हैं। मैं स्वयं यहां पर इन तमाम दृश्यों को देखते भक्ति में सराबोर हो चुका हूं और मेरे मन से भी यही निकल रहा है कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर अभी मैं आपको विराम देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद फिर हम नई पेशकश फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए प्राइम टीवी।